नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करते हैं माता काली शमशान काली की कृपा से आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। जय सतगुरु श्री माली जी की जय। जय मरी, जय मशाणी, जय शमशान काली, जय सतगुरु श्री माली जी की। ओम जयंती मंडला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा समा शिवा धात्री स्वा सवधा नमस्तुते स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। आज मैं उन भाइयों से एक बात कहने जा रहा हूँ, उन भाइयों को एक बात बताने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सी बहनों के, बहुत से भाइयों के फ़ोन आते हैं कि वो कहते हैं कि भी हमारे को किसी भगत ने कहा कि अपने घर में आप काली की ज्योत ना जगाओ, आप माता काली के बर्तना रखो, आप माता काली के घर में पूजा ना करो, आप माता काली का प्रसाद ना खाओ, आप माता काली के घर में ज्योत ना लगाओ। ये इस तरह की बातें कह के भ्रमित कर रखे हैं। मैं उन लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ कि लोगों को आप माता काली के प्रति डराते क्यों हों? आप लोगों को, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ उन मूर्ख तांत्रिकों से कि जो लोग अपनी दुकान चमकाने के लिए, अपनी दुकानदारी चलाने के लिए पब्लिक को भ्रमित करते हैं कि माता काली तुम्हारा नाश कर देगी, माता काली का तुमने प्रसाद नहीं खाना, माता काली की तुमने घर में पूजा नहीं करनी, माता काली के घर में तुमने फ़ोटो नहीं रखनी, इससे क्या होगा भाई ये बताओ पहले। अरे वो भी तो माँ है, वो भी तो जगत जननी है, वो भी तो पूरे संसार की माता है, उसने भी संसार की उत्पत्ति की है। क्या वो कोई राक्षसी है या कोई चुड़ैल है या कोई डायन है? मेरे को इस बात का जवाब दो जो आप लोगों को इस तरह भ्रमित कर रहे हो। सीधे साधे भोले भाले लोगों को, सीधी साधी मेरी भोली भाली माताओं को, मेरे भाइयों को पागल बना देते हैं कि आपने घर में माता काली की पूजा नहीं करनी, आपने माता काली के घर में बर्तन नहीं रखने, आपने माता काली का घर में दीवा नहीं जगाना, आपने माता काली का किसी घर का या कहीं पर प्रसाद नहीं खाना, इससे क्या होगा ये बताओ, इससे तुमको क्या प्राप्त होगा? अरे माँ काली कौन है, किसका रूप है? आप ये तो देखो, जिसको हम दुर्गा के रूप में पूजते हैं, जिसको हम त्रिलोक पुराणी के रूप में पूजते हैं, जिसको हम वैष्णवी के रूप में पूजते हैं, वो भी तो यही चीज़ है। अरे शक्ति तो एक ही है, नाम अनेक हैं लेकिन शक्ति तो एक ही है। इसको दुर्गा कह दो, काली कह दो, बात तो एक ही है। क्यों आप लोगों को भ्रमित क्यों कर रहे हो? इससे क्या साबित होगा? क्या साबित करोगे तुम इससे लोगों को भ्रमित करके? बस लोगों का बेवकूफ़ बनाना। अगर लोगों को डराओगे नहीं तो तुम्हारे पास आएगा कौन, तुम्हारे को पूछेगा कौन? इसलिए वही है भी, लोग अगर महाकाली की पूजा करने लग जाएंगे तो लोग बीमार नहीं होंगे, लोगों को अपना कोई दुख तकलीफ नहीं होगी। अगर लोग को भ्रमित करोगे तभी लोग हमारी दुकानदारी चलाएंगे, तभी लोग हमारे को पूछेंगे, यही काम है इन लोगों का। बस तो मैं उन लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ कि माता काली में आप लोगों ने क्या बुराई देखी? क्या बुरा करती है माता काली? किसका बुरा करती है माता काली? ने किसका बुरा किया जो आप लोग माता काली के प्रति भोली भाली जनता को, मेरे भोले भाले भाइयों को, भोले भाली बहनों को भ्रमित कर रहे हो, या उनके उनको भ्रमित करके अपनी दुकानदारी चला रहे हो? वे घर में माता काली की पूजा नहीं करनी चाहिए, घर में माता काली की ज्योत नहीं जगानी चाहिए, घर में माता काली का प्रसाद नहीं लाना चाहिए, घर में माता काली का प्रसाद किसी बच्चे को नहीं देना चाहिए, इससे तुम्हारा वंश वेल खत्म हो जाएगी, तुम्हारा घर उजड़ जाएगा, तुम्हारे घर में क्लेश होगा, तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़े होंगे, तुम्हारा कारोबार खत्म हो जाएगा। क्यों माता काली दूसरे का बुरा करती है? या माता काली दूसरे के बारे में गलत सोचती है? या माता काली ने दूसरे के बारे में गलत सोचा है? या माता काली किसी को गलत शिक्षा देती है? या माता काली ये बताओ है कौन जो आप लोगों को ऐसे भ्रमित कर रहे हो? क्योंकि मेरे पे दिन भर में पता नहीं कितने फ़ोन आते हैं, कितने बहनों के, कितने भाइयों के मेरे से यही पूछते हैं, क्या गुरु जी हम माता काली के घर में पूजा कर सकते हैं? क्या हम घर में माता काली की ज्योत जगा सकते हैं? क्या हम घर में माता काली का चालीसा पढ़ सकते हैं? कि हमने फलाने बाबा जी से पूछा था, फलाने बाबा जी से पूछा था, उसने हमारे को मना कर दिया, वे घर में माता काली की पूजा नहीं करनी, माता काली की ज्योत नहीं जगानी, घर में माता काली का प्रसाद नहीं चढ़ाना, तो इससे क्या साबित होगा? तुम लोगों को भ्रमित करके लोगों को डराओगे, लोगों को भ्रमित करोगे तो इससे तुम्हारी दुकानदारी चलेगी? अरे माता काली है कौन?
तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, ऐसे लोगों को मैं कहता हूँ शर्म आनी चाहिए जो माता काली के बारे में ऐसे लोगों को गलत भ्रमित कर रहे हैं, ऐसे लोगों के अंदर भ्रम पैदा कर रहे हैं। वे माता काली के कभी घर में जोत नहीं जगानी चाहिए, तुम्हारे घर का नाश हो जाएगा, घर में फोटो नहीं रखनी चाहिए, घर में प्रसाद नहीं खाना चाहिए। मैं उन भाइयों से मैं उन माताओं से, मैं उन बहनों से यही कहूँगा कि जितने भी ज़्यादा हो सके सच्चे मन से, सच्ची लगन से, सच्ची आत्मा से माता काली की घर में पूजा करो, माता काली को मानो, माता काली का प्रसाद भी खाओ और सीधे साधारण तरीके से पूजा करो, इसकी जोत भी जगाओ, इसके मंदिर में जाकर नारियल चुनरी वगैरह भी चढ़ाओ, प्रसाद भी चढ़ाओ। देखो आपके घर के क्लेश कैसे ख़त्म होते हैं, देखो आपके घर की विपता कैसे ख़त्म होती है। अरे तो महाकाल है, सारे काल को हरने वाली, सारे विपताओं को ख़त्म करने वाली ममता मई माँ है, जगत जननी है, जगत माया है। इससे तो पूरे संसार में ना तो कोई हुआ और ना कभी कोई होगा, क्योंकि सारी सृष्टि की माँ है ये माँ। माँ कभी अपने बच्चों को पूरा करती है क्या? माँ ने कभी अपने बच्चों को पूरा किया है क्या? जो ये करेगी ये बताओ। पुत्र को पुत्र हो सकते हैं, माता को माता नहीं हो सकती। माता कभी अपने बच्चों के बारे में बुरा नहीं सोचती। ये तो इन मूर्ख तांत्रिकों ने थोड़ा भ्रमित कर रखा है अपनी दुकानदारी चलाने के लिए, अपना कारोबार बढ़ाने के लिए, इसीलिए लोगों को डरा देते हैं। वे घर में इसकी जोत नहीं जगानी चाहिए, घर में इसका प्रसाद नहीं खाना चाहिए, घर में इसकी फोटो नहीं रखनी चाहिए, ये घर उजाड़ देती है, ये घर बसने नहीं देती, आपके घर में आखानंद नहीं होने देती, आपके घर में बरकत नहीं होने देती। क्यों नहीं होने देती? क्या इसको बैर है संसार से, या इसको लड़ाई है किसी से? अगर ये इतनी बैरी होती या इतनी कुरूपी होती तब तक पूरा संसार ख़त्म कर सकती थी चाहती तो। आप लोगों ने इसको समझ क्या रखा है? क्या समझते इसको कि ये राक्षसी है कोई? इसको आपने राक्षसी बना दिया? अरे ये तो जगत जननी है, जगत माया है। अरे पूरे संसार की माया, पूरे संसार की भगवती, इसके बारे में आप गलत कैसे सोच सकते हो? इसलिए मैं उन बहनों से, मैं उन भाइयों से हाथ जोड़कर यही गुजारिश करूँगा, ऐसे लोगों की बातों में ना आए, ऐसे लोगों से दूरी बना के रखे जो लोग आपको माता काली के प्रति गलत शिक्षा देते हैं, माता काली के प्रति आपको गलत गाइड करते हैं। इन लोगों से दूरी बना के रखे, इन लोगों के संपर्क में ना रहे। इन लोगों के संपर्क में रहने से ये लोग अपनी सिर्फ दुकानदारी चलाना जानते हैं और कुछ नहीं, आपको भटकाएंगे ही, आपको गलत रास्ता ही दिखाएंगे। भाई घर में माता काली की पूजा नहीं करनी चाहिए, घर में माता काली की जोत नहीं जगानी चाहिए, घर में माता काली का प्रसाद नहीं लाना चाहिए, घर में माता काली की अगर पूजा करोगे आपका घर का नाश हो जाएगा, आपके घर में विपता आएगी, आपके घर में कलह क्लेश होगा, ऐसा कुछ नहीं है। माता काली के सच्चे मन से, सच्ची लगन से, सच्ची भावना से चालीसा का पाठ करो, माता काली का स्तुति पढ़ो, माता काली का पुराण पढ़ो, माता काली जी की सुबह शाम आरती करो, उनकी सरसों के तेल की जोत जगाओ, देखो आपके घर में कितनी बरकत होती है, कितनी घर में सुख शांति होती है, रोग दोष खत्म होते हैं। अरे माता काली कौन है? माता काली पार्वती माता का ही तो रूप है और 10 महाकाली है, 10 महाविद्याओं में आती है। अरे इस संसार में इससे ऊपर तो कोई है ही नहीं। इसलिए मैं आप भाइयों को, आप बहनों को हाथ जोड़कर यही गुजारिश करता हूँ कि इन लोगों से बचकर रहें, इन लोगों की बातों में ना आए और इन लोगों से दूरी बनाकर रखें। ठीक है दोस्तों, अगर आप भाइयों को, आप बहनों को मेरी यह वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएँ। धन्यवाद दोस्तों।